बैंक के प्रायोजक है बीएमएच के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर जो है स्वाद में भरपूर। ठंड के साथ घने कोहरे ने मौसम का बदला मिजाज, राजधानी पटना सहित कई इलाकों में घने कोहरे का कहर। सशस्त्र सीमा बल मुख्यालय में 57वां स्थापना दिवस मनाया गया, डीआईजी ने परिसर में पौधा लगाकर किया शुरुआत। मोकामा में हत्या के बाद परिजनों को मिल रही धमकी, दलित परिवार खौफ के साए में जीने को मजबूर। नमस्कार, स्वागत है, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज, मैं हूं तनुप्रिया। ठंड के साथ घने कोहरे ने मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल दिया है। रविवार को धुंध की चादर में पटना सहित लगभग पूरा बिहार लिपटा रहा, इससे जनजीवन प्रभावित रहा। सुबह से ही राजधानी पटना सहित कई इलाकों में घने कोहरे छाए रहे, वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई। सुबह में सड़कों पर वाहन चालकों को हेडलाइट जलाकर चलाना पड़ा। राजधानी पटना में अभी तक प्रशासन की ओर से अलाव की भी व्यवस्था नहीं की गई है। हालांकि गरीबों को ठंड से बचाने के लिए कई जगहों पर टेंट बनाए गए हैं, वहीं स्थानीय लोग ठंड से निजात के लिए अलाव जलाकर ताप रहे हैं। बिहार में सबसे ज्यादा ठंड गया में पड़ रहा है। गया में पारा 3.6 डिग्री है। पिछले 3 दिनों में पारा काफी तेजी से नीचे गिरा है। शीतलहर से गया वासियों की कपकपी का ठंड में आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। गया शहर के गांधी मैदान स्थित रैन बसेरों में गया नगर निगम की तरफ से अलाव की व्यवस्था के लिए लकड़ी का प्रबंध किया गया है। वहीं रैन बसेरों में रहने के लिए अलावा आम राहगीर गुजरने वाले रैन बसेरों के पास अलाव की व्यवस्था का ठंड में लुफ्त उठा रहे हैं। हम लोग ऐसे तो नगर निगम तरफ से लकड़ी गिरी रहा सर, और सब तरह से व्यवस्था है, ये कम्बल है, मच्छरदानी है, सब आग ताप के अपना सो जाते हैं, किसी तरह कोई दिक्कत तो नहीं है। कितना आपके यहाँ बेड की व्यवस्था? 12 बेड का छोटा रहने में सर। सशस्त्र सीमा बल की 29वीं बटालियन का 57वां स्थापना दिवस बोधगया के धनावा मुख्यालय में मनाया गया। स्थापना दिवस समारोह में जवानों ने एक से बढ़कर एक रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कार्यक्रम की शुरुआत डीआईजी ने एसएसबी कार्यालय परिसर में पौधा लगाकर किया। आज सशस्त्र सीमा बल अपना 57वां स्थापना दिवस मना रहा है, और इस अवसर पर हम लोगों ने एक छोटा सा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कोरोना और जो महामारी फैली हुई है उसको ध्यान में रखते हुए, बहुत बड़ा कार्यक्रम ना करते हुए, हमने सिर्फ अपने लोगों के बीच में ही एक छोटा सा कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें हम लोग सब मिलके अपने स्थापना दिवस का वो मना रहे हैं। सुगौली में भारोत्तोलन संघ के निर्देशानुसार जिला भारोत्तोलन संघ द्वारा आयोजित जिला स्तरीय प्रतियोगिता सुगौली नगर के वार्ड संख्या 14 में आयोजित की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि स्थानीय विधायक शशि भूषण सिंह ने भारोत्तोलन संघ की सराहना करते हुए कहा कि संघ ने सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका दिया है। इस स्टेडियम को जितना सुंदर बनवाना होगा मैं बनवाऊंगा, और जो बालक है वो सबके बालक होते हैं, चाहे हमारे हो आपके हो, और स्टेडियम से इन लोगों का काफी उत्साह बढ़ता है, और जो बालक खेलता है वही जो है आगे भविष्य में उसका भविष्य उज्ज्वल होता है। इसलिए मैं सबसे पहला काम इस स्टेडियम को जितना सुंदर हो सके, और साल में एक दो बार हम लोग आयोजन ही करवाएंगे ताकि लोगों का जो इसमें विश्वास जमे। मुकामा थाना क्षेत्र के मोड़ गांव में हुए लव हत्याकांड की गुहार अब गृह मंत्री तक पहुंच गई है। मुकामा के युवा सामाजिक कार्यकर्ता कुमार नवनीत हिमांशु ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर लव हत्याकांड से जुड़े अहम साक्ष्य सब बरामदगी पर पहल की मांग की है, ताकि आरोपियों की सजा मुकम्मल हो सके। उल्लेखनीय है कि सौतेली माँ ने ही संपत्ति के लोभ में लव कुमार की हत्या कराकर शव को गायब कर दिया है। गृह मंत्री जी से आवेदन दी है, मेरे गांव में सौतेली माँ ने लव कुमार की हत्या कर दिया, अपने ही सौतेली बेटे की हत्या करवाए सुपारी दे करके, जिसमें सभी का पुलिस कार्रवाई की गई। सौतेली माँ ने ऐसे बच्चे की हत्या नहीं करवावे, इसके लिए मेरी मतलब कठोर मतलब निर्णय लिए हैं, और समाज पूरा का पूरा उसके लिए मतलब कि इंतजार में है, चिंतित है कि सब बरामद। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से भारत को मुक्ति दिलाने के लिए मुकामा प्रखंड के शेरपुर गांव में सुप्रसिद्ध कथावाचक सुप्रिया महाराज के नेतृत्व में 5 दिवसीय राम विवाह कथा का भव्य आयोजन किया गया। इस राम कथा में देश को कोरोना से निजात दिलाने के साथ साथ सुख शांति तरक्की और उन्नति की मांग की गई। श्री
श्री रामचंद्र जी और माता सीता को हृदय से नमन करता हूँ। साथ ही साथ हमारे गांव के सुप्रिया जी महाराज को भी मैं हृदय से नमस्कार करता हूँ। इनके सौजन्य से हमारे गांव में राम सीता का विवाह 5 दिवसीय कार्यक्रम को इन्होंने सफल बनाया। मोकामा के शहरी और ग्रामीण इलाकों में ठंड व घने कोहरे का कहर टूटने लगा है। हर तरफ कोहरे से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सड़कों पर वाहनों का परिचालन भी बाधित हो रहा है। घने कोहरे और सर्दी के सितम से लोगों की दिनचर्या भी प्रभावित हो रही है। पूरा इलाका सर्दी के कहर से कराह रहा है। खासकर इस ठंड में गरीबों को सर्वाधिक परेशानी झेलनी पड़ रही है। देखिए अभी कड़ाके की ठंड है और कुहा भी भयानक है। इतना भयानक ठंड है, देख रहे हैं बाल बच्चा सब यहाँ बैठ के ताप रहा, सब बड़ बुजुर्ग सब है। अभी क्या करना था, चौक चौराहा पर, हम लोग नगर परिषद में हैं तो नगर परिषद के चौक चौराहा पर कम से कम अलाव का व्यवस्था करा देना चाहिए। मोकामा नगर थाना क्षेत्र के मोदन गाछी मोहल्ले में 3 दिसंबर को हुए समुद्री देवी की हत्या का आरोपी आज तक पुलिस की गिरफ्तारी से दूर है। गोबर पाथने के विवाद में हुए इस हत्या के बाद यह दलित परिवार खौफ के साए में है। इस हत्याकांड में कुल 5 लोगों को अभियुक्त बनाया गया है। घटना के 19 दिन के बाद भी तमाम आरोपी फरार हैं। परिजनों ने हत्याकांड के सभी आरोपी को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग की है। परिजनों ने कहा है कि इस हत्याकांड को लेकर लगातार धमकी भी मिल रही है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि श्रीमती समुद्री देवी जी का निर्मम हत्या 3 तारीख को दबंग एक यादव परिवार के द्वारा कर दिया गया, तो जिसका FIR 4 तारीख को लोकल पुलिस में दर्ज किया गया। पुलिस ने अपनी कार्रवाई तो की, जो खानापूर्ति की कार्रवाई थी वो की गई, घर पे आके भी परिवार वालों का स्टेटमेंट लिया गया। एक बार फिर बेखौफ अपराधियों ने बिहार के खगड़िया जिले अंतर्गत के चौथम बाजार में लूट की घटना को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि दिन दहाड़े 2 की संख्या में आए अपराधियों ने एक ज्वेलर दुकानदार के साथ मारपीट कर सोना लूट की घटना को अंजाम दिया है। वहीं स्वर्ण व्यवसायी ने अपराधियों के खिलाफ चौथम थाने में मामला दर्ज कराया है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। 12 बजे के बाद ठीक ना आया, 2 लड़का आया, एक लड़का अपने पहचानते थे, एक लड़का उधर था। एक लड़का कौन था? एक लड़का अभिराज था। कहाँ का है? ये बगले में घर, ठीक ना, पीछे मेरा घर तो दूर हुआ, वो 1 किलोमीटर कही थी, ठीक ना। आया वो बोला कि भैया कहाँ, हम बोले भैया नहीं है, ठीक ना। आया सामान, ऐसा रात चाचा सामान लिए थे, 300 कुछ ग्राम था सोना मेरा फाइन, ठीक ना, कैश था 30,000 कुछ कैश था, ठीक ना। यहाँ पे धरे एगो खोलबे कर रहे थे, पूरा लॉकर खोले, ठीक ना, यहाँ से लड़ाई झगड़ा करके शीशा फोड़ के, ठीक ना, तेरे बाद यहाँ से मेरा सामान लेके चल गया। अगली खबर खगड़िया जिले के अलौली प्रखंड क्षेत्र से है, जहाँ बंधियाकरण करने के बाद महिला को फर्श पर ही सुला दिया गया। सरकार द्वारा स्वास्थ्य विभाग के लिए बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। स्वास्थ्य विभाग के कुछ लापरवाह डॉक्टर और कर्मचारी की वजह से पूरे स्वास्थ्य विभाग पर ही सवालिया निशान लग जाता है। मामला खगड़िया जिले के अलौली स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां परिवार नियोजन के तहत 28 महिलाओं का बंध्याकरण किया गया। ऑपरेशन के बाद महिलाओं को बेड तक नसीब नहीं है, किसी को स्टोर के दरवाजे पर तो किसी को हॉल में सुला दिया गया। इतना ही नहीं, किसी डॉक्टर ने किसी मरीज से तबीयत तक जानने की जहमत तक नहीं उठाई। सही बात करना चाहिए, बेड रहता तो बेड पर नहीं सोते थे, समस्या से नहीं सोता। मैनेजर साहब कहना चाहिए बेड दिए, वो लोग नहीं सोई थी। बेड वहाँ देवे नहीं करके, बिछौना भी छेबे नहीं करे तो केना सुते परसन। बेड नहीं छे यहाँ, ना बेड छे खाली, ऊपर बिछौना नहीं छे। दादा की नाम भेल अपने? चम्मा देवी। घर कहाँ भेल? कोहरबा। नालंदा में लगातार 5वीं बार विधानसभा चुनाव जीतने के बाद लोगों की समस्याओं को जानने के लिए नगर विधायक डॉक्टर सुनील कुमार पिछले कुछ दिनों से जनता के बीच किसान चौपाल लगाकर उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। इसी कड़ी में बिहार शरीफ के वार्ड संख्या 46 स्थित झिंग नगर पहुंचे और इस मौके पर जनता के साथ उन्होंने केक काटा और उनकी समस्याओं को सुना। विभिन्न मोहल्लों में कई वार्डों में, वार्ड नंबर 46 में, वार्ड नंबर 38 में, वार्ड नंबर 15 में, शहर में
चौपाल लगाया जा रहा है जहाँ पर हम लोग जनता से रूबरू होंगे और उनकी समस्याओं को सुनकर उनका निदान करेंगे। नालंदा जिले के दो अलग अलग थाना क्षेत्र में दहेज लोभी ससुराल वालों ने विवाहिता की गला दबाकर हत्या कर दी। पहली घटना एकंगरसराय थाना क्षेत्र के बाबू बिघा गांव में घटी है, जहां पुत्र नहीं पैदा होने से नाराज पति और ससुराल वालों ने विवाहिता की गला दबाकर हत्या करने के बाद साक्ष्य छुपाने के लिए सबको फंदे से लटका दिया। वहीं दूसरी घटना रहुई थाना इलाके के गोविंदपुर गांव की है, जहां दहेज के लिए 2 लाख रुपए नहीं देने पर ससुराल वालों ने विवाहिता की गला दबाकर हत्या कर दी। मृतका धूड़ी राम की पत्नी झूनी देवी है। एकंगरसराय और रहुई थाना पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है और मामला दर्ज कर जाँच में जुट गई है। तो उसकी लड़की से पूछे मम्मी को ऐसे कैसे हुआ, तो पापा बहुत मारे थे, कल भी मारे थे, आवाज भी उनकी, इसके हस्बैंड इसके सास भी बोले कि जे हाँ मेरा लड़का इसको मारा था कल भी, आवाज भी। क्यों मारपीट करता था? वो नशा करके और अभी रात को भी पीकाया तो मारा था और सवेरे अभी हम लोग शाम को भी वो पी के आके और बवाल करने लगा ऐसा। घटना एकंगर थाना में बाबू बिघा की है। और बच्ची का नाम क्या था? यह मृतक का नाम पूनम देवी था। इसके पति का? इसके पति का नाम शैलेश कुमार। मारा कौन कौन मिलके? मारा है ये लोग, पूरा परिवार ही है इसके, जैसे कि इनके ससुर जी हो गए, सास हो गए, घर में आज उनका एक ऑफिस पुलिस लाइन में है, तो वो कल इतवार था तो वो आए हुए थे, वो भी सब मिल के प्लानिंग तो बनाए हैं। वाले कौन है? हाँ वो उनके एक देवर निरंजन नाम हुआ। अररिया के SSB 52वीं बटालियन के कैंप में सशस्त्र सीमा बल का 57वां स्थापना दिवस मनाया गया। कोरोना के कारण कार्यक्रम सादे तरीके से मनाया गया, जहां कैंप में अत्याधुनिक हथियारों की प्रदर्शनी जवानों के लिए लगाई गई, साथ ही साथ अन्य कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए। 57वां स्थापना दिवस मना रहा है और इस वर्ष 52वीं बटालियन एक इकाई होने के कारण कोरोना के जो प्रोटोकॉल्स को निर्वहन करते हुए इस एक बटालियन में बड़ा खाना आयोजित किया और उसमें कोरोना के जो प्रोटोकॉल्स है उसका संपूर्ण रूप से ध्यान रखकर प्रोग्राम किया जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वाहिनी जो अभी तक अच्छा काम कर रही थी और अच्छा भविष्य में और अच्छा काम करेगी। खबर वैशाली के लालगंज से है, जहां किसान महासम्मेलन के जरिए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने किसान आंदोलन को लेकर विपक्षी दलों पर जोरदार हमला बोला। सभा को संबोधित करते हुए नित्यानंद राय ने कांग्रेस, राजद और कम्युनिस्ट पार्टी को चुनौती देते हुए कहा कि यदि यह तीनों पार्टियां किसान हित में कोई भी काम किया हो तो उसका उदाहरण प्रस्तुत कर दें, तो वह स्वयं 4 दिनों तक उदाहरण देने वाले के घर में जाकर स्वच्छता अभियान का काम करने को तैयार है। नित्यानंद राय ने कहा कि दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन के सहारे विपक्षी दल केंद्र की मोदी सरकार को बदनाम करने में लगी है। दर्द क्या होता है, 70 वर्षों में कौन ऐसी व्यवस्था की थी 65 वर्षों ने कांग्रेस वालों ने जिससे किसानों की चेहरे पे खुशी आई हो? कौन कांग्रेस वाले, कम्युनिस्ट वाले ने और राजद वालों ने कौन सा ऐसा काम किया जो किसानों के हित में है? कोई उदाहरण लाकर बता देगा तो नित्यानंद उसके घर में जाकर 4 दिन तक स्वच्छता अभियान करेगा, 4 दिन तक स्वच्छता अभियान करेगा। मैं चैलेंज के साथ उनको कह रहा हूं के रूप में इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ, इस देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ एक मजबूत कंधे के रूप में इस देश को एक ऊंचाई प्रदान करने वाले नेता के रूप में इस धरती का लाल है, ये हम सब लोगों के लिए फख्र का विषय है। बेगूसराय में स्वतंत्रता सेनानी को सम्मान देने के उद्देश्य से स्टेशन रोड से लेकर गांधी चौक तक के पथ को स्वतंत्रता सेनानी जगन्नाथ प्रसाद के नाम पर नामकरण किया गया है। उक्त कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री सह बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह ने किया। सांसद गिरिराज सिंह ने कहा कि स्वर्गीय जगन्नाथ प्रसाद ने स्वतंत्रता की लड़ाई में अहम योगदान दिया है, उनके पद चिन्हों पर चलकर ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दी जा सकती है। क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर के भारत की दूसरी आजादी की लड़ाई में उन्होंने अग्रणी भूमिका निभाया। भारत माता की जयकारा उनके याद में होनी ही चाहिए। भारत माता की, भारत माता की।
रोहतास के चुटिया थाना अंतर्गत भवनी टोला में 15 दिसंबर की रात हुई भोला महतो हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मामले में दो सुपारी किलर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जो महज 20,000 रुपए के एंड्रॉयड मोबाइल फोन के लालच में इस तरह के काम करने को राजी हो गया था। कांड का उद्भेदन किया गया। उद्भेदन के क्रम में यह बात प्रकाश में आई कि मृतक ही अपने भगना अरुण महतो की हत्या कराना चाहते थे और वह दो सुपारी किलर अनिल पासवान और उसके दोस्त हरिनाथ पासवान को 20,000 रुपया में सेट किए कि तुम मेरे भगना को हत्या कर दो। बीजेपी द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम किसान सम्मेलन में रविवार को जमालपुर प्रखंड के फरदा में किसान सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। सरकार के कामों की उपलब्धि गिनाई गई, जिसमें केंद्र की मोदी सरकार द्वारा किसानों के लिए किए जा रहे कार्यक्रम की जानकारी दी गई। वहीं कई लोगों को भाजपा का सदस्य भी बनाया गया। ये जो नया कृषि बिल है, ये बिल में किसानों के हित में रख के किसान का आमदनी कैसे दुगना हो, बाजार और किसान के बीच में बिचौलियों दलालों को कैसे समाप्त करे, किसान को लागत मूल्य कैसे प्राप्त हो, इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री कटिबद्ध है। इसके जो किसान है, किसान नहीं कहना चाहिए, किसान के जो बीच के जो लोग हैं, जिसको हम दलाल कहते हैं या बिचौलिया कहते हैं, जो बड़ी बड़े मंडी और इसको कब्जा के वो लोग जो पूरे देश में आज हाहाकार मचा के रखे हैं किसान के बिल के, किसान विरोधी बिल के इसमें समर्थन में, तो उसी के संदर्भ में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा हर एक मंडल में, हर एक विधानसभा में, हर एक पंचायत में जाके किसान भाइयों को ये समझाने के लिए, उनको ये अवगत कराने के लिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लाया गया जो बिल है इस देश में, वो उनके पक्ष में है उनके। और इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए बिहार न्यूज़। नमस्कार।